नमस्कार भाइयों, जय हिंद। चुनावी माहौल है भाइयों, लेकिन गरीबों की तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा है। हम यहाँ पर आए हुए हैं मलाड के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे गरीब आप देख सकते हैं, यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए उपलब्ध नहीं है कोई सामान। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप सामने आइए, हमारा हाथ बटाइए। आज हमने दाल, चावल, सब्जी और बहुत प्रकार का आइटम रखा है बांटने के लिए। मेरे साथ में बहुत सारे भाई मेरे आए हुए हैं, और आप अगर हमारी सहायता करना चाहते हैं इस नेक कार्य में, तो आप सामने आइए और आप देख सकते हैं कि दिल को कितना सुकून मिलता है। आज कोई रोटी का नहीं मिलता, उसमें कोई भूख का नस होता है, तो आज हमने वो पूरा करके दिखाया है। नमस्कार, मेरा नाम अरमान ताहिल है और मैं अपने दोस्त रवि पांडे जी के लिए आया हूँ। उन्होंने रोटी डे की स्थापना की थी 21 फरवरी को। हर साल 21 फरवरी को रोटी डे बनाते हैं, 2016 से बनाते आ रहे हैं, और तब से मैं इनके साथ हूँ, जुड़ा रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको? आपको बहुत गरीब का बहुत कुर्बानी किया था, आपको मिला रोटी डे, मतलब आज राशन मिला, कैसा लगा रोटी? अच्छा लगा। हम गरीबों की मदद करें, बहुत अच्छा। रोटी देखे हमारा पेट भरा, हमारी दुआ बहुत लगी। हम रोड पे पड़े, हमारे को कोई सहारा नहीं, पकाने का, और ऐसे सहारे में तुम से जाके और सबको अनाज दिया, राशन पानी दिया, बहुत मेहरबानी। हाँ, बात धन्यवाद। बात करें तो बहुत सारी फिजूल की चीज़ें होती है, वेलेंटाइन डे, रोज डे, बहुत सारी चीज़ें। तो कोई गरीब डे, मतलब कोई रोटी डे, ऐसा बहुत कुछ ही लोग हैं जो करते हैं। जी, हमारा ये मुहिम स्टार्ट हुआ, तो बात करते आज रवि पांडे जी, जिन्होंने ये मुहिम स्टार्ट किया है, कहाँ से आपके दिमाग में थॉट आया, बताइए कुछ। जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। कुछ आज से 4 साल पहले रोज डे, किस डे, वेलेंटाइंस डे, सब सारे डे मनते रहते हैं। तो कहीं मैंने कुछ बड़ा किसी ने डाला था सोशल मीडिया पे, काश कोई रोटी डे तो कोई भूखा ना सो। तो बस वहाँ से मुझे आइडिया क्लिक हुआ और मैंने सोचा कि चलो फरवरी में सारे डे होते हैं, तो रोटी डे भी शुरू। 21 फरवरी को मैंने रोटी डे शुरू किया, और मैंने सिर्फ अपने विचार रखे थे फेसबुक के माध्यम से, तो मेरे साथ में कुछ दोस्त अपने आप आ गए कि हम लोग भी आपके साथ में आएंगे। तो कुछ उस वक्त नवीन खान, कोमल शर्मा, अरमान, निरोपर खाली, राहुल द्विवेदी, ऐसे कम से कम 8-10 दोस्त आ गए, और मुझे देखा देखी बाकी यूपी में, दिल्ली में बहुत से दोस्तों ने ऐसा किया। कुल मिला के इस रोटी डे का अभियान यही है कि एक जागरूकता अभियान है, ना कि गुप्त अभियान। हम सब, आप सब, सभी लोग चुपचाप गुप्त तरीके से लोगों की मदद करते रहते हैं, पर क्या होता है कि वो कहते ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उससे कोई भी प्रभावित नहीं होने वाला है। अगर हम इसको जागरूकता अभियान के तहत करते हैं, लोग हमें देख करके, क्योंकि हम एक्टर हैं, तो कुछ हमारी फैन फॉलोइंग्स है, वो हमें देख करके लोगों को जाके मदद करेगी। कुछ हमें इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, कुछ कि एक्ट्रेस लोग फोटो डालेंगे उस लिए करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे मतलब मेरा यही है कि सब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँचे। तो कुल मिला के रोटी डे एक जागरूकता अभियान, ना कि गुप्तदान। और आप लोग भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अपनी जेब से, जितनी भी आपकी क्षमता हो, आप लोग जाके उतना इकट्ठे हुए, और जहाँ भी हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए लोगों को राशन खरीद के दीजिए, और किसी को रुपये भेजने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर कोई कहता है कि हाँ भाई आप मुझे रुपए भेज दो, मैं खरीद के कर दूंगा, तो नहीं, बिल्कुल रुपए मत भेजिए। आप जहाँ हैं वहाँ अपने दोस्तों साथ
इकट्ठा हुई है रुपए इकट्ठे के लिए, जाके राशन खरीदिए और जाके जहाँ भी जो भी ज़रूरतमंद है उनको डिस्ट्रीब्यूट। नमस्कार, ये देखिए अभी चुनावों का माहौल है, चुनावी दंगल शुरू हो गया है, तो सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं गरीबों से हटकर अमीरों की तरफ जा रहा है क्योंकि पैसा वहीं से आना है, वोट वहीं से आना है। तो मेरा मानना यह है कि मेरे भाइयों ने जो मिलकर रोटी डे और रोटी वीक पूरा रखा है जिसमें पूरे समाज को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उठाई है, ये बहुत नेक कार्य है और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई धर्म, इससे बड़ा कोई कर्म हो सकता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सभी भाइयों का जो इस मूवमेंट जुड़े हैं। मैं आपका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप आए, इसके लिए शुक्रिया। मैं सीरियसली बहुत आभारी हूँ क्योंकि ऐसे नए कामों को करने का मौका बहुत कम मिलता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि समाज में हर सामाजिक बंदे को एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि महीने में एक बार भी अगर समाज के 30 लोग खाना खिलाएंगे तो पूरे 30 दिन या पूरा महीना कोई भूखा नहीं मरेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सब लोगों को ये देखा देखी आगे आना चाहिए और एक मुहिम को छेड़ना चाहिए कि हमारे समाज में कोई भी इंसान गरीब हो भूखा ना सोए। सबको मैं यही कहना चाहूँगा, अभी आप सबको राशन तो मिल गया, अभी आप सबको हमारी तरफ से समोसा पाव किलो आएगा, बड़ा पाव, तो ठीक है आप लोग जाना मत। कौन कौन खाएगा? सब खाएंगे। अभी नहीं, याद करें तो ये जो लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं क्या, मतलब ये बुजुर्ग होने से अच्छा है कि आप ये ठान लें कि आपकी भी कोशिश होना चाहिए कि हर रोज किसी।